टीवी20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। आजमगढ़ के महराजगंज से खबर है, जहां विकास नगर में डांस को लेकर हुए विवाद में एक की गई जान, पुलिस विधिक कार्रवाई करते हुए दो को हिरासत में लिया। 20 मई की घटना है, लगभग शाम का 8 बज रहे थे। रामताउल पुत्र सीताराम निषाद अपने घर विकास नगर परवा थाना महाराजगंज पर मौजूद था कि घर के सामने गांव निवासी रवि अपने छत पर डीजे साउंड बॉक्स से गाने बजा रहा था, जिसको देखकर रामताउल रवि के घर पर आकर डांस करने को कहा। बस इसी बात पर रवि रामताउल को गाली गुप्ता देने लगा, जिस पर रामताउल उसे मना करने लगा, जिस पर रवि उसकी बहन रीमा और माँ तीनों मिलकर रामताउल को लकड़ी के फट्टे से मारने लगे तथा सड़क के किनारे बने पड़ोसी की दीवार में रामताउल का सर लड़ा दिया, जिससे रामताउल के सर पर गंभीर चोट लगी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के बड़े पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई है तथा दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। थाना महराजगंज में दिवारा जदीद विकास नगर में घटना घटित हुई है, जिसमें ताउल नाम का एक व्यक्ति जो 35 साल जिसकी उम्र है, उसके गांव में ही एक घर में किसी बात छज्जे के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें तीन आरोपियों ने डंडे से और ईंट पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी है। इसमें 302 का IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ है थाना महराजगंज में। तीन आरोपी जिसमें दो महिलाएं एक पुरुष है, दोनों महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही घटना के बारे में, और तीसरा जो आरोपी है रवि, इसी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी करके कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।